अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इनटू माय चैनल ब्यूटी ग्लोइंग व्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी हेयर स्प्रे के बारे में, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा, सेवलॉन नोवा गोल्ड हेयर स्प्रे। इसको आप हेयर सेटिंग स्प्रे भी बोल सकते हैं, हेयर स्केलिंग स्प्रे भी बोल सकते हैं। ये आपको हर पार्लर में, हर घर में मिलेगा, जिसको जो है लोग आपको डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मोस्टली लोगों को जो है ना इशू होता है स्प्रे यूज़ करने के बाद, कि उनके हेयर जो है डैमेज होते हैं या हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। इसमें मैं बताऊंगी कि क्या रीज़न है इसकी, और सेकंड कि आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि जो आपके हेयर्स हैं वो डैमेज ना हों। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको जो है दिखाती हूँ सेवलॉन हेयर स्प्रे। ये जो है आपको 420 ml का जो है ये आपको मिलेगा इसका कंटेनर। उसके बाद है जी नोवा गोल्ड स्प्रे, ये जो है आपको 200 ml जो है ये मिलेगा आपको। अगर इन दोनों में से बात करें कि इन दोनों में से कौन सा जो है बेस्ट है, मोस्टली जो है यूज़ होता है सेवलॉन हेयर स्प्रे। नोवा का जो है यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा ये आता है कि आपके जो हेयर हैं वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं, और दूसरा इसका ये डिफरेंस है कि इन दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट जो है ना सेम आ रही है, जबकि ये 420 ml है और नोवा का जो है जस्ट 200 ml है। क्वांटिटी में फ़र्क आ रहा है। ये फ़र्क क्यों आ रहा है आपके जो है माइंड में जो है ये क्वेश्चन आ रहा होगा। फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नोवा गोल्ड स्प्रे है ये बाहर से आता है, यूके से आता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से जो है ना टैक्सेस वगैरह लगते हैं, इसकी वजह से जो है इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी हाई है, और जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ये लॉन्ग टाइम के लिए सेवलॉन वाला जो है यूज़ हो जाता है, तो मोस्टली जो है लोग जो है इसी को यूज़ करते हैं। जी मैं आप बताती हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं बताऊँगी कि आपके हेयर्स जो हैं डैमेज क्यों हो रहे हैं अगर आप हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। तो इशू ये है कि मोस्टली जो है सेवलॉन हेयर स्प्रे और जो नोवा गोल्ड स्प्रे है, इन दोनों में जो है ना कॉपीज़ आ रही है मार्केट्स में बहुत ज़्यादा। जो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाए तो उसकी जो है ना कॉपीज़ भी आ जाती हैं, तो इन दोनों में जो है ना आपको मार्केट में कॉपीज़ मिल जाएंगी, जिसकी वजह से जब आप वो कॉपी या फेक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो है ना आपके हेयर्स जो है ना डैमेज होते हैं। आप कोशिश करें कि किसी अच्छी जगह से जो है ना इसको बाय करें, इसको जो है उसके बाद यूज़ करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसका रिव्यू दूंगी कि आप जो है ओरिजिनल और फेक में जो है कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। सेकंड चलते हैं कि आप जो है ना इसको यूज़ कैसे करेंगे। पार्लर्स में तो ये वैसे मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन अगर आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट तो आप इसको डिस्केंस से यूज़ करें। इस स्प्रे को जो है ना अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इतना जो है डिस्केंस होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा क्रीम रख के इसको यूज़ ना करें। और उसके बाद सेकेंड ये है कि आप अपने हेयर्स जो है ना उसकी जो स्कैल्प है उसमें इसको स्प्रे ना करें, आपके जो हेयर रूट्स हैं वहाँ पे इसको जो है ना स्प्रे ना करें, बाहर बाहर का जो एरिया जहाँ से आपने जो अपना हेयर स्कैल्प बनाना है वहाँ पे जो है इसको स्प्रे करें, और इसकी जो है मिकदार है जो क्वांटिटी है वो इसको कम रखें, बहुत ज़्यादा जो है मिकदार में इसको यूज़ ना करें। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके हेयर जो हैं डैमेज नहीं होंगे। फर्स्ट आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय करना है, सेकंड जो है आपने बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार यूज़ नहीं करनी, आपने जितना हेयर स्कैल्प बनाना है बस थोड़ा सा जो है स्प्रे करके बस सेटिंग जो है अपने हेयर्स की जो है कर लेनी है। ये जो दोनों स्प्रे हैं इससे ऑलमोस्ट आपका फुल डे जो है आपका जो हेयर स्टाइल है वो होल्डिंग उसकी रहेगी, वो आपका हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होगा, आप लॉन्ग टाइम के लिए जो है इसको चला सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो जो है नोवा गोल्ड और सेवलॉन हेयर स्प्रे पे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए जो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ओरिजिनल और फेक में जो है इसका डिफरेंस बताऊंगी, ताकि आप जो है कॉपी या फेक प्रोडक्ट लेने से बच जाएँ, आपके एक तो पैसे भी बच जाएँ, दूसरा जो आपके जो हेयर्स हैं वो डैमेज ना हो उससे भी आप बच जाएँ। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर कर दें। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।